أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك ايات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لرن قرآن لايو چینل کی جانب سے ہم آپ کو خوش أمدید کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ سورة آل عمران کی آیت نمبر 107 और 108 सीखेंगे तजवीद के साथ शुरू करते हैं व अम लजीन व अम मीम मुश्द और नून मुश्द जहाँ पर भी होते हैं वहाँ पर उनको गुन्ना के साथ अदा किया जाता है अम गुन्ना की मकदार एक अलिफ की के बराबर होती है म लज़ीन सा के लाम मुश्द है इसलिए यहाँ मीम के साथ मर्ज होगा अमल तशदीद वाले हरफ को थोड़ा सख्ती के साथ पढ़ें ताकि तशदीद ज़ाहिर हो वजी ज़ी या मद्दा है एक अलफ की मकदार के बराबर खींच कर पढ़ेंगे जी नब साकिन पर कलकला हो होगार्फ कलकला पाँच हैं कौफ बा, जीम और दाल जब भी ये साकिन होते हैं यानी जब इनके ऊपर जजम होती है जजम वाले हरफ को साकिन हरफ कहते हैं तो इन पर कलकला होता है नब यब, दोत, दोद, मुस्तालिया है पुर पड़ा जाएगा हरूफ मुस्तालिया में से है हरूफ़ मुस्तालिया सात है हरूफ हैं जब भी ये आते हैं तो हमेशा पुर ही पड़े जाते हैं चाहे इनके ऊपर कोई भी हरकत हो या साकििन हो हु। वजूहू जु वाउ मद्दा है एक अलिफ की मेदार के बराबर खींच कर पढ़ेंगे मीम साकिन के बाद फ़ः आया है इजहार शफवी होगा यहाँ पर गुना नहीं होगा बाकी किसी भी हरकत वाले हरफ को खींचना नहीं जिस हरफ के ऊपर पेश ज़बर या जेर हो उसको खींचते नहीं फ़ी फ़ी या मद्दा है एक अलिफ की मकदार के बराबर खींच कर पड़ेंगे रो ज़बर की वजह से पुर पड़ा जाएगा रहमत अल्लाह कलम ज़ेर की वजह से बारीक पड़ा जाएगा इसके ऊपर खड़ी जबर भी है एक अलफ की मकदार के बराबर खींच कर पढ़ेंगे और हाशा किन पड़ेंगे वक़ की सूरत में वजी होती से पाँच अलफ के मकदार के बराबर खींच कर वक़ करेंगे वक़बल इस्कान होगा यहाँ पर हम फ़ी है खौलीदून हम मीम साकिन के बाद फ़ाए जहर शफ होगा फ़ी या मद्दा है एक अलिफ के मकदार के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। हा अलिप मद्दा है इसको भी एक अलिफ के मकदार के बराबर खींच कर पड़ेंगे हरूफ मद्द तीन हैं जब या साकििन से पहले जेर होती है तो या मद्दा होता है अलिफ जब खाली होता है तो पिछले हरफ़ के ऊपर जब ज़बर होती है तो अलिफ मद्दा होता है वाव साकिन से पहले जब पेश होता है तो वाव मद्दा होता होता है तो इसलिए ये तीनों मद्दे यहाँ पर दी हुई हैं फ़ी हा दू ये तीन मद्दे इनको एक अलिफ की मिकदार के बराबर खींच कर पढ़ा जाता है और हरूफ मद्दाह के कायम मुकाम होते हैं खड़ी हरक़त यानी खड़ी ज़बर खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश इनको भी एक अलिफ़ की मकदार के बराबर खींच कर पड़ा जाता है तो यहाँ पर भी एक अलिफ़ की मकदार के बराबर खींच कर पड़ा जाएगा ख़ा मुस्तालिया है हरूफ मुस्तालिया में से तो यह पुर पढ़ा जाएगा यानी मोटा पड़ा जाएगा ख़ॉदू दू वमदा है जैसे या मद्दा अलिफ मद्दा और वाउमद तीनों को एक एक अलिफ की मकदार के बराबर खींचना होगा और जब भी हरूफ मद्दाह के बाद साकििन हरफ आता है वक़ की सूरत में तो वक़फ़ बिल इस्कान होता है यहाँ पर और आरिज़ वक़ी होगा तीन से पाँच अलिफ़ की मक़दार के बराबर खींच कर वक़ करेंगे हम फ़ी है तिल के किसी भी हरकत वाले हरफ को खींचना नहीं लाम साकिन को हिलाना नहीं हमज़ा और या दोनों के ऊपर खड़ी हरकत है खड़ी ज़बर एक एक अलफ के मकदार के बराबर खींच कर पढ़ेंगे और यहाँ पर देख लें यहाँ पर अल्लाह का लाम जेर की वजह से बारिक पड़ा गया और यहाँ पर अल्लाह का लाम पेश की वजह से पुर पड़ा जाएगा यानि मोटी मोटा पड़ा जाएगा तो अल्लाह का लाम पुर पड़ा जाएगा इसके ऊपर खड़ी ज़बर भी है एक अलिफ की मकदार के बराबर खींच कर पड़ेंगे ही को खींचना नहीं नत लू लू वाव मद्दा है देखें यहाँ पर जैसे वाव मद्दा था वाऊसा साकिन से पहले पेश यहाँ पर भी वाउसा साकिन से पहले पेश है तो अगर ज़बर होता फिर लीन होता तो जब भी ख्याल रखें वाऊसा साकिन से पहले पेश ही होना चाहिए फिर वाव मद्दा बनेगा हा अलिफ मद्दा है देखें अलिफ मद्दा यहाँ पर भी आपने पढ़ा हा फी हा तो यहाँ पर भी अलिफ मद्दा है अलिफ जब खाली होता है तो पिछले हरफ के ऊपर जब ज़बर जब होती है पेश अगर होगा तो अलिफ मद्दा नहीं होगा जेर की हालत में भी अलिफ मद्दा नहीं होगा सिर्फ़ ज़बर होना चाहिए आलई देखें यहाँ पर अब या साकिन से पहले ज़ेर थी तो या मद्दा होगा अब या साकिन से पहले जब ज़बर जब होती है तो लीन कहलाता है तो लीन का माना होता है नरमी करना मतलब आधे अलफ़ की मकदार के बराबर खींचना होता है अले कै ले कै इस तरह से अलई कै तो लीन हरूफ लीन दो हैं साकिन से पहले जब ज़बर जब होता है और या साकिन से पहले जब ज़बर जब होता है बाकी कोई हरकत नहीं ना पेश ना जेर तो या लीन और लीन होता है बिल्क़ यहाँ पर काफ़ मुस्तालिया है पुर पड़ा जाएगा और जब इस पर वक़ होगा तो कलकला भी होगा तभी इसको रेड कलर दिया हुआ है वक़ की सूरत में इस पर कलक़ला भी होगा तो मिलाने की सूरत में पुर पड़ा जाएगा कलकला नहीं होगा अपनी हरकत के साथ पढ़ा जाएगा तिल्लाई को देखें अल्लाह का लाम ज़बर की वजह से पुर पढ़ा जाएगा यहाँ पर पेश था यहाँ पर ज़बर है और यहाँ पर जेर तीनों सूरतें यहाँ पर आ गई तो यहाँ बारीक यहाँ पर भी पुर यहाँ पर भी पुर मोटा पढ़ा जाएगा इसके ऊपर खड़ी ज़बर भी है एक अलिफ की मकदार के बराबर खींच कर पढ़ेंगे यूरी री दो री देखें या मद्दा है और रा बारीक पढ़ा जाएगा ज़ेर की वजह से गुल लमसाकिन को हिलाना नहीं गौ मुस्तालिया है पुर पढ़ा जाएगा लिल आल आइन के ऊपर खड़ी ज़बर है एक अलिफ की मकदार के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, मी या मद्दा है इसको भी एक अलफ की मकदार के बराबर खींच कर पढ़ें और वक़ की सूरत में नाकिन पढ़ा जाएगा बिल इस्कान होगा मदलआारज़ वक़ी होगा तीन से पाँच अलफ की मकदार के बराबर खींच कर वक़ करेंगे मदलारज़ वक़ी होगा वक़बल इस्सकान وما الله يريد ظلما للعالمين آج کا سبق ہمارا یہاں تک ہے ایک بار میں مل... ریپیٹ کرتا ہوں میرے ساتھ ساتھ آپ بھی دہرائیں وَأَمَّا الَّذِينَ بَيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ فيها خالدون تلك ايات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين आज की इस वीडियो में इतना ही गलती को माफ़। टेक केयर खुदा